मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शिवराज सरकार पर 1300 करोड़ के महाघोटाले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री संबल योजना और जन आशीर्वाद यात्रा के तरफ से करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। राकेश सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला, जिसमें मुख्यमंत्री और सरकार के नौकरशाह शामिल हैं। इस घोटाले की शिकायत लेटर पिटीशन के द्वारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को की गई है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से कर्मकार मंडल का फंड आस्मिकता निधि में आता है, सेतु बनाया जाता है, वहां से उठा के संबल योजना में आता है और संबल योजना और जन आशीर्वाद योजना को क्लब करके इस कार्य को, इसके पैसे को अपात्र लोगों में लगातार वितरित किया जा रहा है। अभी तक 1300 करोड़ रुपए कर्मकार मंडल से सरकार निकाल चुकी है, जो कि पूरी तरह अवैधानिक है, गलत है और इस पर फौजदारी कार्रवाई हो सकती है।